मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य इलाकों में 1000 आधार केंद्र खोले जाएंगे। उमरिया में जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे आदिम जाति कल्याण मंत्री ओंकार सिंह मरकाम ने यह ऐलान किया। आधार कार्ड नहीं होने से होने वाली परेशानियों से निजात दिलाने के लिए यह फैसला लिया गया है। मंत्री ओंकार सिंह का कहना है कि हाट बाजारों में बैंकों के एटीएम भी खोले जाएंगे ताकि आदिवासी और पिछड़े समाज को फौरन सुविधाओं का फायदा मिल सके। पार्टी लगभग 1000 आधार कार्ड केंद्र अपने से, मैं उसमें स्वयं ट्राइबल डिपार्टमेंट से हम उसके सारे सिस्टम देंगे और हायर सेकेंडरी जहां जैसी भौगोलिक स्थिति है अगर वहां कनेक्टिविटी ठीक है तो वहां हायर सेकेंडरी में भी हम कुछ जगह चिन्हित कर रहे हैं इस तरह 1000 में। तो ये सिस्टम को भी हम हाईटेक करने के, और दूसरा जो पेमेंट लेने के लिए तो उसमें हर जगह हम बाजार हाथों में जहाँ ज़रूरत है जहाँ बेहतर कनेक्टिविटी है एटीएम सिस्टम भी हम लगा रहे हैं।